अंकिता लोखंडे भाई क्या कर रही है, मुनावर की जनता के सामने बार बार फंसे जा रही है और मुनावर की जनता ये चीज़ें बहुत ध्यान से सुनती है, समझती है और इसके ऊपर रिएक्शन देती है। और जो मुनावर के खिलाफ ये चीज़ें बोलेगा तो मुनावर की जनता तो भाई बैंड बजाएगी ही। अब अंकिता की बैंड बज रही है सोशल मीडिया पर, और अंकिता ने जो है कुछ ही देर पहले खानजादी से बात किया था और उसने खानजादी के साथ बात करके ये चीज़ बोली कि इस घर में मेरे लिए मेरे हस्बैंड के अलावा सब एक लेवल पे हैं, किसी से कोई कनेक्शन नहीं। और उससे कुछ ही देर पहले जो है मुनावर को अंकिता ये बोलती हुई नजर आई थी कि तू मेरे लिए विक्की के बाद सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, विक्की के बाद सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये चीज़ मतलब कि विक्की हस्बैंड तो चलो ठीक है, तुमने वहाँ पर भी सेम बोला, यहाँ पर भी तुमने सेम बोला, पर एक ही लेवल पे है सब लोग, पर तुम मुनावर के सामने मुनावर के मुंह पे बोल रही हो कि मेरे हस्बैंड के बाद जो है तू सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये दो दो बातें जो है एक ही टाइम पे एक ही जगह पर अलग अलग लोगों के साथ जो कि तुम कर रही हो, तो अंकिता लोखंडे इसका क्या मतलब है? तुम अब अपने तरीके की गेम खेल रही हो वो भी मुनावर के साथ, तो मुनावर को बस और बस तुम अपने चंगुल में फंसाना चाहती हो कि भाई ये बंदा स्ट्रांग है और मेरे को जो है इसकी ज़रूरत है और मैं अगर इसको अपने पास रखूंगी क्योंकि मेरे पति को जीतना है और मैं इसको अपने दोस्त बना के रखूंगी तो मेरे पति के अगेंस्ट नहीं ये जाएगा, तो हम तीनों हो जाएंगे तो मेरा पति जो है अपनी गेम खेल पाएगा, तो मैं जो है इसको अपनी बातों में फंसा के रखूंगी। हालांकि अंकिता का इतना दिमाग है या नहीं है मेरे को नहीं पता, पर दिखाई यार ऐसे ही दे रहा है, समझ जो है ऐसे ही आ रहा है क्योंकि अंकिता डबल डबल बातें कर रही है, मुनावर के सामने अच्छी और पीठ पीछे काफी ज्यादा बुरी। इसी के साथ मैं लेती हूं इजाजत, नमस्कार।